हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज मैं आपको बेस्ट फुल बॉडी वेट एक्सरसाइज बताऊंगा। दोस्तों अगर आपका रनिंग करते टाइम हाथ भर जाता है, पैर भर जाता है, बॉडी ठीक से काम नहीं करता, तो आप इस वर्कआउट को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों जब आप 1600 मीटर रनिंग करते हो, जो लास्ट का चक्कर होता है 400 मीटर जो लास्ट के होते हैं, उसके अंदर जो 100-200 मीटर होता है उसके अंदर आप स्प्रिंट नहीं लगा पाते, पैर भरने के कारण बॉडी ठीक से काम नहीं करता, बॉडी स्टिफ हो जाता है। दोस्तों अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है 1600 मीटर रनिंग करते टाइम, तो आप इस वर्कआउट को जरूर फॉलो करें। दोस्तों वीक में दो बार जरूर इस वर्कआउट को फॉलो करें। दोस्तों अगर आपको अपनी अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी फिजिक बनानी है, तो इस वर्कआउट को जरूर फॉलो करें। जितने भी 1600 मीटर के धावक होते हैं वो इस वर्कआउट को जरूर फॉलो करते हैं। अगर आपको अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आप इस वर्कआउट को जरूर फॉलो करें। दोस्तों वर्कआउट करने से पहले आप वार्म अप जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। दोस्तों ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं शोल्डर टैप्स। दोस्तों ये चेस्ट के लिए होता है। दोस्तों ये आपको जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ये एक्सरसाइज आपको एक मिनट तक करना है, अगर आप बिगनर हो तो 30 सेकंड तक आपको एक्सरसाइज करना है। दोस्तों ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं पुशअप्स। दोस्तों ये भी आपको एक मिनट तक करना है और अगर आप बिगनर हो तो 30 सेकंड तक करना है। जैसे मेरा पोजिशन है वैसे ही आपको करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करना। दोस्तों ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज है, अल्टरनेटिव आर्म लेग प्लैंक। दोस्तों एक हाथ उठेगा तो दूसरा ऑपोजिट वाला लेग उठेगा, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ये भी आपको एक मिनट तक करना है, बिगिनर हो तो 30 सेकंड तक करना है ये एक्सरसाइज। दोस्तों ये आपकी चौथी एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं सुपरमैन। देख सकते हो दोस्तों जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ दोनों हाथ और पैर एक साथ उठ रहे हैं। दोस्तों इसे भी अगर आप बिगिनर हो तो 30 सेकंड तक करो, अगर आप एडवांस करना चाहते हो एक मिनट तक करो। दोस्तों ये आपकी पांचवी एक्सरसाइज है। दोस्तों जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ वैसे ही करना है, हाथ मेरा देख सकते हो वैसे ही आपको हाथ रखना है, उसके बाद आपको पुशअप्स करना है। ये भी आपको एक मिनट तक करना है, अगर आप बिगनर हो तो 30 सेकंड्स तक आपको एक्सरसाइज करना है। दोस्तों ये आपकी छठी एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं डोर फ्रेम रोज। दोस्तों आपको जैसे मैं करके बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ये मेनली बाइसेप के लिए एक्सरसाइज होता है। दोस्तों आपको गलत नहीं करना, दोनों हाथ का एक एक बार करना है, ये आपको एक मिनट तक करना है। दोस्तों ये आपकी सातवीं एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं ट्राइसेप डिप्स। ये मेनली ट्राइसेप के लिए होता है। दोस्तों जैसे मेरा पैर है वैसे ही आपको करना है, मेरा जैसे हाथ है वैसे ही आपको करना है। ये एक्सरसाइज आपको एक मिनट तक करना है, अगर बिगनर हो तो 30 सेकंड्स तक करना है। दोस्तों ये आपकी आठवीं एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं डायमंड पुशअप्स। दोस्तों ये मेनली ट्राइसेप के लिए होता है। दोस्तों ये भी आपको एक मिनट तक करना है, अगर आप बिगनर हो तो 30 सेकंड्स तक करना है। लेकिन दोस्तों जैसे मेरा हाथ है वैसे ही आपको हाथ करके ये पुशअप्स करने हैं। दोस्तों ये आपकी नाइन्थ एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं ब्रिजेस। दोस्तों आपको अपना हिप लिफ्ट करना है ऊपर, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अगर आप एडवांस लेवल करना चाहते हो तो एक मिनट तक करो, अगर आप बिगनर हो तो ये आप 30 सेकंड्स तक कर सकते हो। दोस्तों ये आपकी टेंथ एक्सरसाइज है, स्क्वाट्स। दोस्तों नॉर्मल स्क्वाट्स है दोस्तों, लेकिन आपको पोजिशन गलत नहीं रखना, कोई पैर खोल के रखता है आपको गलत नहीं करना, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। अगर एडवांस करना है तो एक मिनट तक कर सकते हो। दोस्तों ये आपका ग्यारहवा एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं प्लैंक। दोस्तों इसको भी आपको सही से करना है, जैसे मेरे हाथ रखे हुए वैसे ही आपको हाथ रखना है आगे के साइड, इसको आपको एक मिनट तक करना है। अगर आप बिगनर हो तो आप इसे 30 सेकंड्स तक कर सकते हो। दोस्तों ये आपकी बारहवीं एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं बाइसिकल क्रंचेज। दोस्तों जैसे मेरा सर ऊपर है और मैं बाइसिकल चला रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ये आपको एक मिनट तक करना है। अगर आप बिगनर हो तो इसको आप 30 सेकंड्स तक कर सकते हो। दोस्तों ये आपकी 13th एक्सरसाइज है। दोस्तों इसे बोलते हैं प्लैंक जंप पेंस। दोस्तों आपको प्लैंक करना है, उसके बाद आगे जंप करना है, फिर बार आगे जंप करना है, फिर बार, इसे भी आपको एक मिनट तक करना है। अगर आप बिगनर हो तो इसको आप 30 सेकंड्स तक कर सकते हो। दोस्तों आपकी ये 14th एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं मानता हूँ ये लेग्स के लिए। आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, इसे आपको एक मिनट तक करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आपने देखा, आज मैंने आपको 14 बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज बताए। दोस्तों आपको इन एक्सरसाइज को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसे आपको दो बार करना है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 पे जाना है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक्सरसाइज नंबर 1 एक बार कर लिया, फिर एक्सरसाइज नंबर 2 एक बार कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 3 एक बार कर लिया, पहले लाइन से एक बार कर लिया, फिर आप एक एक बार करोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। हर एक्सरसाइज को दो दो बार करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 दो बार करना है, एक्सरसाइज नंबर 2 दो बार करना है, एक्सरसाइज नंबर 3 दो बार करना है। ऐसे आपको 4, 5, 6 ऐसे आपको जाना है।
आपको एक एक बार एक्सरसाइज नहीं करना, एक एक्सरसाइज जो है चेस्ट वाला एक्सरसाइज जो है उसे दो बार करना है, फिर आपको लेग वाले एक्सरसाइज पे जाना है। दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा आपको एक्सरसाइज कैसे करना है। दोस्तों हर एक्सरसाइज आपको दो दो बार करना है। दोस्तों सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपको कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें।